हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बीपीएससी का पेपर है, बीपीएससी, ठीक है, शिक्षक जो बिहार के लिए, जो प्राइमरी लेवल पर बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का कौन सा 13 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मैथ, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों देखेंगे, ठीक है, रीजनिंग देखेंगे, ठीक। आप लोग दबा के शेयर करिए, सिर्फ आप लोगों को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज इसमें क्या है, मैथ और रीजनिंग को देखेंगे कक्षा 1 से लेके 5 तक, ठीक है। इसमें हम लोग किसको किसको देखेंगे, हम लोग क्या है, जीके जीएस का हम लोग क्लास हो चुकी है, ठीक है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, और मानसिक क्षमता को देखेंगे, ठीक है, मानसिक क्षमता को, दो चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है। फटाफट अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए भैया, फटाफट दोस्तों में शेयर करिए, फटाफट आप लोग जुड़ते हैं और अच्छा सा कमेंट किया करिए, सर बहुत बढ़िया है, ठीक सर, इसी तरह से क्लास में लाइए, जो क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक, ऑफलाइन आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, सोचने वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या करा कि 80 का 50%, आप लोगों को पता है 80 का 50, तो 80 का 50% कैसे निकालते हैं, 50/100 कर लीजिए, 80 का 50% का 90%, फिर इसी का 90% भी, ठीक है, इसी का 90% का मान क्या होगा, फटाफट काट दीजिए, क्या कर देंगे, फटाफट इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, देखिए 1 0 2 0, तो 1 0 2 0, इसका फिर 1 0 और काट दीजिए, इसका भी 1 0, तो 5 × 10, 2 आ गया, तो 2 × 8, ठीक है, तो 4 × 9 कितना आ गया, 36, देख लीजिए किस में दिया गया, ये आराम से आप लोग कर सकते हैं, कौन सा ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का अगर आप लोगों को क्वेश्चन करना है और चुटकियों में सॉल्व करना है, तो इंद्रेश जी के जीएस को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे हर तरह के जो है क्वेश्चन को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, और आप 100% सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे एकदम ट्रिक के साथ, यहाँ पर क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करा है, 102 कह रहा है कि 9 9 9 + 2 √, क्या करिए, 14 करिए, इस 14 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 कर सकते हैं, 2 और 2 और 7 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 और 7, इसको तोड़ा करिए, इस जो करड़ी में उसको तोड़ा करिए, इसको लिख लीजिए कितना, 2 + √7 लिख करके इसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, ठीक है, वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, करड़ी में 2 तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो 7 आ जाएगा, +2 √ क्या आ जाएगा, 2 और इसका करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है, देखिए अब कितना आ गया, 7 × 2 = 9, ये कितना गया, रूट आ गया कि नहीं, इतना देखिए आ गया, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन उठा करके वर्क करते जाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ब्रेक कर लीजिए, ठीक, एक लाइन का सवाल है, आराम से आप लोग कर ले जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने, ठीक है, 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि एक तैराक धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, यदि प्रत्येक स्थिति में 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति क्या होगी, धारा की गति क्या होगी, बताइए धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धारा की गति को निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, धारा की गति अगर निकालना है तो क्या करेंगे, बताइए, तो 1/2 हो जाता है, ठीक है, और क्या होता है, धारा के प्रतिकूल, ठीक, क्या होगा बताइए, धारा के प्रतिकूल क्या करते हैं, धारा की गति और माइनस धारा के जो प्रतिकूल है, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 40/5, क्योंकि हमें क्या है, इसको किस में निकालना है, हमको गति निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, जो हमें 40 क्या दिया गया है, यहाँ पे दूरी दिया गया है, और 5 हमें क्या दिया, समय दिया, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और 30/ में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आराम से आ जाएगा, एक लाइन का सवाल है, ठीक है, 1/2 ये अंदर क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10/5 आ जाएगा, ठीक है, 10/5, तो 5 से ख़त्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। एक तैराक क्या होता है, जब हमें धारा की गति निकालना है, तो हम क्या करते हैं,
धारा की गति को निकालने के जो प्रतिकूल वाला है उसको अनुकूल वाले से माइनस कर देते हैं, धारा की गति को जो प्रतिकूल को माइनस कर देते हैं किससे, अनुकूल वाले से। ठीक, अगर यही पूछता, नाव की गति पूछता, तो हम क्या करते हैं 40/5 प्लस 30/5 को ऐड करके 1/2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया सारी चीज़ें। चलिए तो सी पार्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 104 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है कि यक्स और वाई दो क्या है, अनुपूरक कोण है। ठीक है, क्या होते हैं, अनुपूरक कोण। ठीक है, क्या है अनुपूरक कोण का मतलब, क्या होता है उन कोणों का योग क्या होता है, दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक, अनुपूरक उसको कहते हैं। ठीक है, दो अनुपूरक कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ठीक, क्या होता है, 180 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए फटाफट। तो हम मान लेते हैं x बराबर क्या है, x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, x बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 7a। ठीक है, और y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिया है, रेशियो दिया है, तो 8 क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा। ठीक, 8a हो जाएगा। ठीक, तो 7a और प्लस 8a बराबर क्या हो जाएगा, 15a। ठीक है, 15a बराबर 180। ठीक, 180 तो कितना आ जाएगा, 15 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 180 बटे में 15 कितना होगा बताइए, 15 एक कम 15। ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना, 3 और 15 दूनी 30। ठीक, 12, तो a बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, a बराबर 12, तो यहाँ आप देख लीजिए a बराबर 12 आ गया, तो कैसे करेंगे, तो a यहाँ पे पुट कर देंगे, 12 12 सते कितना होता है, 12 सते 84 होता है, 12 बटे कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, देखिए इतनी वैल्यू आ गई, तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा बताइए, कितने डिग्री आ जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, माइनस करना है तो y माइनस x कर देंगे, क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा d आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, d हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, d हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आया, दो अनुपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180, याद रख लीजिए, दो अनुपूरक कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है। दो अनुपूरक, दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, दो संपूरक का मान 190, दो अनुपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, याद रहेगा ना। चलिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 105। कह रहा कि मेस में 36 उम्मीदवारों के लिए 7 दिन पर्याप्त भोजन थे। एक मेस था जिसमें जो है कितने, 36, 7 दिनों के लिए पर्याप्त था, 6 उम्मीदवारों में से, 6 उम्मीदवारों में से, 6 नहीं होगा ना, 6 उम्मीदवारों में से 2 दिन बाद परिसर छोड़ दिए, 2 दिनों बाद परिसर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन का होगा। ठीक, तो कितने छोड़ देते हैं, 6 उम्मीदवारों ने 2 दिन बाद, पहले कितने थे, टोटल कितने थे, 36 थे। ठीक है, ठीक, 2 दिन बाद परिसर छोड़ देते, मतलब 5 बचे 5 दिन के लिए। ठीक, तो बचे कितने, 6 छोड़ते हैं तो 30 बचे, कितने दिन के लिए, डी, तो डी से क्या करिए, निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 6 30, 6 6 36, तो यानी कि डी बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस केवल समझने वाली बात है, 36 उम्मीदवारों के लिए 7 दिन का क्या था, पर्याप्त भोजन था। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6 उम्मीदवारों ने 2 दिन बाद क्या करता, परिसर को छोड़ देता, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन बाद छोड़ते हैं, मतलब 5 दिन तक वो काम करते हैं, क्या करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो बचे कितने, 6 30 बचे, और कितने दिन तक भोजन चलेगा, ये पूछा, तो डी से क्या करिए, डी से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, आराम से 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बस समझने वाले क्वेश्चन है, सभी समझ वेस्ट पे आपके क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको चेक करेगा आपकी कितनी अच्छी समझ है। ठीक है, क्लास टेस्ट में 63 के बजाय रवि के अंक गलत रूप से 93 हो गए, मतलब 63 के बजाय क्या हो गए, 93 हो गए। ठीक, क्या हो गए, 63 के बजाय क्या हो गए, 93 हो गए। ठीक है, इस गलती की बजाय कक्षा के औसत अंक में आधे की क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती, क्या हो जाती, आधे की क्या होती, वृद्धि हो जाती। ठीक, क्या हो जाती, आधे की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी, मान लेते हैं कक्षा जो थी, मतलब कक्षा में टेस्ट के दौरान हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या और कक्षा का औसत, जो छात्र हैं कक्षा में, छात्र की संख्या, ठीक है, कक्षा में जो छात्र हैं उनकी संख्या क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और औसत इनका क्या मान लेते हैं, औसत हम क्या मान लेते हैं, औसत इनका मान लेते हैं a। ठीक है, तो टोटल छात्रों की संख्या
आप जब इनको निकालेंगे आप जो है तो क्या आ जाएगा, तो पहले x इंटू ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ने, ठीक मैंने कर दिया आ गया, ठीक इनका औसत आ गया। फिर क्या कर रहा है, 63 के बजाय क्या हो जाता है 93, तो प्लस 63 भी रहा होगा, ठीक है 63 भी रहा होगा और 93 हो जा रहा, तो माइनस क्या करेंगे 93 कर देंगे। इतना समझ में आया, बटे में टोटल नंबर ऑफ कितने कितने लड़के हैं, एक्स हैं ए हो जाएगा, इक्वल्स टू ए हमारा क्या था औसत था, प्लस हाफ से क्या हो रहा बढ़ रहा। अब इसको क्या करेंगे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ये चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है एक मिनट, ठीक है अब इसको कैलकुलेट करिए देखिए क्या हो रहा है। तो एक्स ए प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा ना, एक मिनट क्या आ जाएगा, अरे माइनस में आएगा, ठीक है माइनस कितना हो जाएगा 93, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 में से जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3, मतलब 30 आ जाएगा, ठीक है 30 इक्वल्स टू ए कितना हो जाएगा, एक्स ए प्लस 1/2 x आ जाएगा, ठीक तो ए इससे इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक अब देखिए कितना आ जाएगा, माइनस में आ रहा है, ठीक है फिर ये कितना आ जाएगा 30 इक्वल्स टू 1/2 x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, तो स्टूडेंटों की संख्या कितनी होगी 60 हो जाएगी। आराम से एकदम आराम से बच्चों की तरह करिए, होता चला जाएगा, ठीक है कक्षा में छात्र कितने हैं, x हैं, औसत को औसत उनका मान लेते हैं a, तो x इंटू ए उनका क्या हो गया नंबर आप जितने थे उसमें से एक का क्या हो गया 63 के बजाय क्या हो जाता 93 हो जाता है, ठीक है तो मतलब रियल कितना था 63 था, जो 93 हो रहा उसको माइनस करेंगे और टोटल क्या करेंगे उनका औसत निकाल देंगे, और इनका औसत ए प्लस हाफ से क्या हो रहा वृद्धि हो रहा, फिर उसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए 60 हमारा आ जाएगा राइट आंसर। चलिए 107वां बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 107 बताएंगे आप लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है 80 लीटर के मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 5:2 के रेशियो में किस मात्रा में पानी मिलाया जाए, ताकि जो है मिश्रण जो है सिरप और पानी का मिश्रण 5:2 कितना हो जाए 5:6 हो जाए, ठीक है 5:6 हो जाए, ठीक है देखिए यार 80 लीटर के मिश्रण में पानी का अनुपात 5:2 सिरप और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है 5:3 है, ठीक बताना इसको बताइए फटाफट। तो कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा सिरप हम निकाल ले, तो सिरप की मात्रा कितनी है, सिरप हमारा इसमें कितना है, ठीक है इस 80 में सिरप कितना था 80 इंटू सिरप कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है कितना आ जाएगा 10, यानी 50 हमारा क्या आ जाएगा सिरप आ जाएगा, ठीक है 50 क्या आ गया सिरप आ गया, ठीक मात्रा 50 क्या आ जाएगी 8/10 में, हाँ ठीक है 50 हमारा क्या आ जाएगा सिरप का मान आ जाएगा, जो बचा जो 40 हमारा है इसमें 30 हमारा जो 50 तो ये हो गया तो 30 क्या हो जाएगा 30 पानी हो जाएगा, तो 30 हमारा क्या आ जाएगा पानी आ जाएगा, ठीक है किसको मिलाने की बात कर रहा है, किसको मिलाने की बात कर रहा है इस मात्रा में पानी मिला, मान लेते हैं हम x क्या कर लेते हैं वाटर मिला देते हैं x, ठीक है x ठीक, और इसका अनुपात क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। अब कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं ये क्या हो जाएगा 6/25 30, यानी कि 300 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा 15 150, और ये कितना हो जाएगा प्लस 5x। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इधर लाएंगे तो 150 हो जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा x, तो 5 3 15, यानी कि x बराबर कितना मिलाएंगे 30 लीटर पानी मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे 30 लीटर पानी मिलाएंगे। फटाफट करना सीखिए कैसे कैसे किया जा रहा है सारी चीज़ें, ठीक है आराम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत समय नहीं लगता है, ठीक है सिरप की मात्रा निकाल लीजिए और पानी की अलग अलग क्या कितना मिला रहे हैं, मान लीजिए x तो 5/6 इसका रेशियो हो जाता, कैलकुलेट कर लीजिए कुछ नहीं है आराम से कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 बताइए फटाफट क्या कह रहा है कि 1050 रुपये में 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक दर पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब ब्याज निकालना है, ठीक है 10% पर, ठीक है 2 वर्ष के लिए, ठीक तो ये क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, ठीक है फिर 10 से क्या हो जाएगा 11, ठीक है ये कितना हुआ बताइए, ये हो गया 100, ये कितना हो गया 121, ठीक इसमें क्या करा कितना दिया हमें जो मूलधन है 100 बराबर क्या हो जाएगा 1050 की, ठीक ठीक तो हमसे क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 21, 21 बराबर कितने का आ जाएगा 21 बराबर 1050/100×21, अब इसको निकालिए फटाफट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है 0 से 0 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक 5 से काटिए नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए देखिए कितना आता है,
मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट कितना आएगा, 108 में मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ जाएगा, बताइए भाई फटाफट। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 220.5 आ जाएगा, ठीक है। 220.5 कहाँ दिया है, 220.5 आराम से कर ले जाएंगे ना क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। सक्सेसिव मेथड पहले क्या हो रही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। वृद्धि हो रही है तो प्लस में, ठीक है, प्लस 30। फिर क्या हो रही है, 25% की कमी तो माइनस, कमी का मतलब माइनस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 30 × 25, ठीक है, 30 × 25 × 100, ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5 × 25 25 और 5 × 10, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, 7.5 आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 बचेगा माइनस 7.5, तो माइनस 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5% माइनस हमारा क्या कर रहा है, कमी को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 बताएंगे आप लोग, बताइए फटाफट क्या कह रहा है, व्यंजक को क्या करना, सॉल्व करना, सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो आप कर ही सकते हैं, फटाफट करिए, इसका मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉड मॉस, ठीक है, ठीक, बॉड मॉस ए है, ठीक, बॉड मॉस, ठीक है। पहले हम लोग क्या, ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, डिवाइड को करिए, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा बताइए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 = 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 = 8 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो 3 बचेगा, फिर 4 × 8 = 32 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 × 4 = 12, ठीक है, 3 × 4 = 12, इसमें से 12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 6 × 5 = 2, 12 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 और 1, ठीक, 16 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 8 6 6 6 6, गलती कहीं हो रही है, कहाँ हो रही है बताइए जल्दी, कोई ही तो मिस्टेक हो रही है, फटाफट बताइए आप लोग कहाँ हो रही है, ये 28 आ जाएगा, 8 सही है ना, 4 × 4 = 8, 8 × 3 = 4 × 8 = 32, 28 आ गया, 3 × 6 होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ 6 होगा, ठीक है, 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 22 होगा, ठीक है, 22 होगा, 22 होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 674, यानी सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 बताएंगे, दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान, रियल वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितनी है, 5:4 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, मतलब प्लस 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जा रही है, 11:9 हो जा रही है, ठीक है, 11:9 हो जा रही है। इसमें इसके बीच में अंतर कितना है, इसके इसके बीच में अंतर देखिए कितने का है, 1 का, इसके इसके बीच में अंतर कितने का है, 2 का है, ठीक, कितने का है, 2 का। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर हमको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, ठीक है, समान, इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, 8 होगा। और इसमें क्या करिए, जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कितना हो जाएगा, 11:2, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके बीच में क्या हुआ, इसके इसके बीच में क्या हुआ, कितने का हुआ, इसमें 5 6 का है, इसमें कितना है, 4। अब देखिए इसमें 1 का हो गया, इसमें भी 1 का, 1 = किसके हो गया 4 के, ठीक है, 1 = 4 के, ठीक, किसका पूछा, तो उसके छोटी बहन का अनुपात क्या हो जाएगा, फिर 4 का तो 8, मतलब छोटी कौन है, वर्तमान आयु ने, तो 8 किसके बराबर आ जाएगा बताइए, तो 8 = क्या हो जाएगा, 4 × 8, मतलब 4/32, ठीक है, 32 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 4/32, ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा, क्वेश्चन नंबर बताएंगे 112 112 क्या, हमारे श्रेणी दी हुई है, ठीक है,
श्रेणी, चलिए इधर मैं ला करके इस क्वेश्चन को करता हूँ ताकि आपको आराम रहे, ठीक, कोई दिक्कत ना हो। अंतर लेना सीखिए, इसमें इसके इसके बीच में अंतर कितने का है बताइए, इसके इसके बीच में अंतर कितने का है, तो 9 का है, ठीक है। 9 के बाद फिर कितने का है, इसके इसके बीच में फिर कितने का है, प्लस 130, ठीक है। इसके इसके बीच में देखिए फिर कितने का है, प्लस 299 है, 299। फिर डबल अंतर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर डबल अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 121 का, ठीक है। फिर अंतर लेंगे कितने का आ जाएगा, 69 का, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, 69 का, फिर 200, देखिए आप समझ में आया, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, इसके बाद अगला वाला स्टेप में क्या आ जाएगा, 15 का वर्ग, ठीक है। 15 का वर्ग मतलब 225 इसमें ऐड कर दीजिए, 225 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 524। इसमें क्या आ जाएंगे, जोड़ देंगे 524, 524 को इस वाले में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 524 में इस चीज़ को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 3 जिसमें दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट, 983 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको दो डबल डिफरेंस लेंगे, चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी, डबल डिफरेंस लेने के बाद ही चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लुप्त संख्या हमको इसमें निकालना, बताइए कैसे निकालेंगे लुप्त संख्या, बताइए फटाफट लुप्त संख्या कैसे निकालेंगे। 7 में क्या किए हैं, इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 21 हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या करिए, 21 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कितना हो गया। फिर इसमें भी क्या कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए आंसर आता चला जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 की 24 बढ़ती हैं 48, ठीक है। फिर इसमें क्या कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आ रहा कि नहीं, 48 में 8 का 16 और 3 का 24, ठीक है। फिर चढ़तियाँ 3 चौका 12, 12 और 2, 12 2 14, मतलब 144, सॉरी 144 होगा, कितना हो रहा, 8 का 16 8 3 का 24, 24 को 4, ठीक है। 4 3 12, ये तो नहीं हो रहा कि हो रहा है बताइए, इसमें 3 का हो रहा, इसमें देखिए 3 5 3 5 15, इसमें क्या हो रहा, इसमें क्या हो जाएगा, 15 15 चौका 15 5 75 5 का। फिर इसमें क्या हो रहा, इसमें भी 5 का, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा, 3 चौका 12 12 12 24 12 3 36 12 चौका 48, इसमें 4 का हो रहा, सॉरी इसमें क्या हो रहा, 4 का हो रहा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा, 4 का, ठीक है, क्या हो रहा, 4 का हो रहा, ठीक। इसमें 3 का हो रहा सब में, ठीक है, देख लीजिएगा सब में क्या हो रहा, 3 का, इसमें भी 3 का, इस वाले में क्या हो रहा, 4 4 3 12 4 3 12, फिर 12 चौक 48, फिर 48 में जो 4 का मल्टी, तो 8 का 16 8 चौक का 32, मतलब 192 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। 192 क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। स्टेप को समझा करिए, ठीक है, क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 बता दीजिए, 114 भी हमारा क्या है, कौन सा गलत संयोजन है इसको बताना, कौन सा गलत है इसमें इसको बताना, ठीक है, बताइए। उल्टा चलते हैं हम लोग, ठीक है, इधर से आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखिए, पहले इसमें इसके इसके बीच में देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -11 आएगा, ठीक है, -11 आ रहा है, ठीक है, -11। फिर इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 221 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा, ठीक है, -22, ठीक। इसको इसमें से घटाएंगे तो -33 आ जाएगा। फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -44 आएगा, ठीक है। और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना आएगा बताइए, 262 में से घटाएंगे तो 55 आना चाहिए, देखिए आ रहा कि नहीं, तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 259 अगर रहेगा तो आ जाएगा, ठीक, यहाँ -55 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -66 आ जाएगा, ठीक। लेकिन क्या रहना चाहिए, तो यही हमारा क्या है, गलत है, यहाँ यही हमारा क्या गलत है, ठीक। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक, ए पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करना सीखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है, क्या कह रहा है, GIFT क्या है, GIFT को क्या लिख रहा है, 100 168 लिख रहा है, 168 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, देखिए 7 होता है, 9 होता है, एक क्या होता है, 6 होता है, और एक कितना होता है, 20 होता है, ठीक, ऐसा कुछ लिख रहा है ना,
बताइए फटाफट। तो कैसे होगा बताइए, इसको अगर जोड़ दिया जाए, इसको इसको और इसको, ठीक, देखिए कितना हो रहा, 20 और एक इसको दे देंगे तो 30 और 5 35 कितना हो जा रहा, टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा, 42 आ रहा, कितना आ रहा 42। अगर चार संख्या चार से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जा रहा 8 168, बिल्कुल आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसको भी करेंगे, जी आर ई टी ग्रेट को भी, तो वही आएगा। ठीक है, जी ओ डी दिया है, ठीक है, जी ओ डी में देखिए क्या आ रहा है, एक क्या हो जाएगा 7 + 15 + 4, ठीक है, जोड़ने पर कितना आ रहा है बताइए, 5 4 7 5 22, 22 6 26, 26 में क्या करिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 6 3 18 के 8, 3 2 6 6 1 हासिल 78, तो क्या आ जाएगा 78, देखिए हमारा सी पार्ट आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर आप पकड़ लिए होंगे ट्रिक तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे पता आप लोग कर ले गए होंगे। चलिए आगे बताइए, कौन सा इसमें जो क्या है, चार अक्षर दिए गए, इसमें से तीन किसी न किसी तरह से क्या है, समान है। ठीक है, कि तीन किसी न किसी तरह से क्या है, समान है। ठीक है, और एक क्या हमारा भिन्न है। ठीक, तो ये कितना दिया गया बताइए, इसका मान कितना होता है, कितना होता है 2, इसका कितना होता है 22, इसका कितना होता है 5, इसका कितना होता है 13। ठीक, इसी तरह से इसका आई सी के पी, और ये क्या है बताइए, ये कितना होता है 16 10 17, और ये कितना होता है 25, कितने का हो रहा है बताइए, 16 से माइनस कितना गए, क्या हो रहा है बताइए फटाफट, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बताइए आप लोग। ई बताइए, बी से जब यहाँ जा रहे हैं तो -6 जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ इधर करके। ठीक है, देखिए क्या है, ए बी है, ए वी है, ठीक, ये क्या है ई है, ये क्या है एम है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो 2 से 22 पे, ये कितना होता है 22 होता है, ये कितना होता है 2 होता है, ये कितना होता है 5 होता है, तो ये इसका क्या है विपरीत है, वी ई का क्या है विपरीत, यहाँ से क्या जा रहे हैं -6 जा रहे हैं, ये इसका क्या है अपोजिट है, अपोजिट है। फिर यहाँ से 5 से 13 जा रहे हैं, तो कितना जा रहे हैं +8 जा रहे हैं। ठीक, फर्स्ट वाले स्टेप में। अब इसी तरह से देखिए, आई आई के बाद सी, फिर के, फिर पी, यहाँ देखिए कितना होता है 9, 9 से कितने पे जा रहे हैं 3 पे, तो कितना हो रहा है, तो -6 हो रहा है। सी का क्या होता है, के अपोजिट होता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक, और ए तो इसी को रखे रहिए। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होने के चांसेस देखते हैं, पी जे क्यू वाई। ठीक है, ये कितना होता है 16 16 से 10, तो -6 गए कि नहीं, -6 गए। अगर जे क्यू का क्या होता है अपोजिट होता है। ठीक है, और ये कितना होता है 17 17 से कहाँ जा रहे हैं 25। ठीक है, तो +8। ठीक है, +8, फर्स्ट वालों को फॉलो कर दिया, इसका मतलब हमारा सेकंड बी पार्ट क्या हो जाएगा, यही सबसे क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, बी क्या होगा सबसे डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे 17। ठीक है, 17 में क्या कह रहा है कि सी सी एल आई क्यू यू ई, ठीक है, ई है। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, जे एम डी एफ वी आर लिखा जा रहा है। ठीक है, इतना लिखा जा रहा है। ठीक, कैसे लिखा जा रहा है, इसको देखिए, जो है सी 3 होता है, एक कितना होता है 12 होता है, एक कितना होता है 9 होता है, एक कितना होता है 17 होता है, एक कितना होता है 21 होता है, एक कितना होता है 5 होता है। ठीक, इसी तरह से इसको लिखिए, 10 13 4 6, एक कितना होता है 22, एक कितना होता है 18। ठीक है, 18 देखिए कहाँ कहाँ से हो रहा है, एक क्या हो रहा है 18 प्लस हो रहा है, एक कितना हो रहा है, ए भी देखिए प्लस हो रहा है, ये भी देखिए प्लस हो रहा है। ठीक, 3 3 का ब्रेक किया, +1 +1 सब में, 3 से +4। ठीक है, ये क्या हो रहा है प्लस, ये भी +1 सब में, देखिए +1 +1 +1 हुआ है। ठीक, इसी तरह से डुअल को भी लिख लीजिए, डी ओ यू बी एल ई। ठीक है, ये क्या होता है 5 होता है, एक कितना होता है 12 होता है, एक कितना होता है 2 होता है। ठीक, एक कितना होता है 21 होता है, एक कितना होता है 15, एक कितना होता है 4। ठीक, तो इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ जाएगा, +1 कर दीजिए सब में, 4 का क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। ठीक है, 5 एक कितना, यू कितना हो जाएगा वी, एक कितना हो जाएगा 15 1 16 16 पे कौन होता है पी, इसी तरह से इसका जो है ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे वी, वी का क्या हो जाएगा सी। ठीक, इसके ई का क्या हो जाएगा एफ, इसका क्या हो जाएगा 12 1 13, यानी कि एम। ठीक है, वी पी ई, देखिए वी पी ई कहाँ दिया, वी पी ई हमारा एक ही पार्ट में दिया गया, तो यही हमारा क्या जाएगा
राइट आ जाएगा, सब में प्लस वन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 18 का। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और हैं, बता दीजिए फटाफट, क्या ज़रूरत है छोड़ने की, सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कोश में क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। ठीक, तो इधर लाते हैं, इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, देखिए डी वाई डी डी सब में दिया है, सब में दिया है। ठीक है, डी के बाद क्या है, डब्लू वाई, वाई भी 25 होता है, क्या होता है 23 पे होता है, तो ये होगा इसके सबसे पहले वाले स्थान पे क्या आ जाएगा, ई, हमारा क्या सबसे पहले पे ई आएगा। ठीक है, सबसे पहले पे ई आ जाएगा, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद कौन आएगा, ए वाला आएगा, टू थ्री टू कहाँ पे दिया है, थ्री टू ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में वन आ जाएगा। ठीक, तो ए पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। 19 क्या कह रहा है, राहुल अपने घर से के पास एक पार्क में टहलना शुरू करता हुआ 7 किलोमीटर पूर्व की ओर। ठीक है, 7 किलोमीटर क्या करता है, पूर्व जाता है, 7 किलोमीटर। ठीक है, मैंने मान लिया 7 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ता और फिर 9 किलोमीटर बाईं ओर। ठीक है, 9 किलोमीटर क्या करता है, बाईं ओर, 9 किलोमीटर बाईं ओर दौड़ता और फिर अपने दाईं ओर 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दाईं, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर दौड़ता है और फिर उत्तर की ओर 11 किलोमीटर, फिर क्या करता है, उत्तर की ओर 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर दौड़ता और वह पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 9, 6, 13, मतलब यहाँ आ गया। ठीक, जहाँ से चला था उस पॉइंट पे आ गया, 9, 6, 13। ठीक है, 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर दौड़ता वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु उसकी ए थी। ठीक है, तो कितनी दूर, देखिए ये 7 है, ये 6 था, ये क्या था, 9 था आपका, ये कितना था, 11, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 9 11 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, 20, और किस दिशा में बताइए, तो 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, उत्तर की तरफ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, 20 आ जाएगा। करना सीखिए बस, फटाफट कर ले जाएंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए प्रफुल्लित का मतलब क्या होता है, उदास। बहादुर का क्या होगा, बहादुर का क्या हो जाएगा बताइए, बहादुर का क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। प्रफुल्लित का मतलब उदास, बहादुर का क्या हो जाएगा, कायर। आप 20 क्वेश्चन किए हैं, बताइए आपके कितने, 10 हम लोग इसमें रीजनिंग के किए हैं और प्लस 10 जो है मैथ के। ठीक, तो 10 रीजनिंग, 10 मैथ, 20 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग बताएंगे आपके कितने इसमें सही हुए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धमाकेदार तरीके से अपने दोस्त मित्र में सभी में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत आज के लिए।